आप लोग देख सकते हैं हमारे आगे पीछे इतना सारा भीड़ है, इतना भीड़ है, इतना भीड़ है, क्या बोलूँ आप लोगों को, बहुत भीड़ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना लंबा लाइन है सिर्फ टिकट के लिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल एसएस एम्बर। अभी थोड़े सुबह के 10 और हम थोड़ा सा इधर उधर घूमने के लिए निकल रहे हैं। आई होप जहाँ जाएंगे आप लोग कुछ शेयर करेंगे, तो देखते हैं हम जाते कहाँ पे हैं पहले वो देख लेते हैं, और उसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। मैं अभी करोलबाग में हूँ, ये करोलबाग की जनाली है, और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ एटीएम के सामने, क्योंकि आज थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। और आज ऐसे व्हाइट शर्ट लगा के एकदम फॉर्मल टाइप के निकला हूँ, क्योंकि आज 4 बजे एक कल्चर प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को कैसे भी करके अटेंड करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो उसके लिए जाऊँगा, जहाँ पे जाऊँगा आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। हम अभी इस रास्ते से यहाँ पे आए हुए हैं बस देखने के लिए, बस ढूंढने के लिए। देखते गुवाहाटी में बहुत ज़्यादातर बस यूज़ करता हूँ मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, और यहाँ पे दिल्ली में भी ढूंढ रहा हूँ, अगर मिलेगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। A few moments later. अभी हम पहुँच चुके हैं दिल्ली गेट, और अभी हम जा रहे हैं लाल किले। लाल किले पे जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, लाल किले पे जाके थोड़ा सा घूमेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मेरा फास्ट टाइम है ना, इसलिए तो देखता हूँ क्या होता है। बस से उतर के कुछ देर पैदल चलने के बाद ये आ गया रेड फोर्ट के सामने। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे है रेड फोर्ट, और यहाँ की एंट्री गेट है, सामने है एंट्री गेट, तो हमें सामने की तरफ से जाके अंदर घुसना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं ये है रेड फोर्ट, और ये जो है ये है मीना बाज़ार की चौक है, ये मीना बाज़ार की रास्ता यहाँ से आके निकलता ही, और हमें थोड़ा सा इधर से घूम के जाना पड़ेगा। हम लोगों ने रोड क्रॉस कर लिया, और हमारे पीछे है, पीछे की तरफ है लाल किला, और हम हैं सारे सब लोग एक साथ, और सामने की एज जाके गेट से एंट्री लेना पड़ेगा। ये देखिए एक नज़ारा यहाँ का, ये देख सकते हैं आप, सामने है लाल किला, लाल किला का एंट्री गेट। अभी उस गेट पे जाना पड़ेगा और उस गेट के अंदर से घुसना पड़ेगा। एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग दिल्ली आ रहे हो और दिल्ली के लाल किले पे आ रहे हो, तो कृपया करके मेन गेट पे ना जाए, क्योंकि मेन गेट से अभी हम लोग घूम के आ रहे हैं, हमें मेन गेट पे एंट्री नहीं दिया, बोलते हैं कि मेन गेट से सिर्फ एग्जिट एंट्री नहीं है, इसलिए मेन गेट से अभी फिर से रिटर्न जा रहा हूँ गेट नंबर 2 पे। आप लोग गेट नंबर 2 पे आके वहाँ से घुसना। हम अभी गेट नंबर 2 के रेड फोर्ट के गेट नंबर 2 पे आके घुस रहे, और यहाँ पे है साइड पे पार्किंग, और यहाँ पे देख सकते हैं इतना भीड़ है। आप लोग देख सकते हैं हमारे आगे पीछे इतना सारा भीड़ है, इतना भीड़ है, इतना भीड़ है, क्या बोलूँ आप लोगों को, बहुत भीड़ है। तो और इसके बाद बहुत थोड़ा सा सेफ्टी वो करके भी अंदर जाना पड़ता है। सो आप लोग यहाँ पे जो जितना भी लोग देख सकते सब लोग टिकट के लिए वेट कर रहे, और ये है रेड फोर्ट, सब लोग टिकट के लिए वेट कर रहे। इतना लंबा लाइन, मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है कि इतना लंबा लाइन पे मैं खड़ा होकर टिकट लूँ, इतना भीड़ है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत क्राउड है, बहुत क्राउड है। हम लोग अभी पहुँच चुके रेड फोर्ट पे, मेरे पीछे है रेड फोर्ट, ये किला अच्छा लग रहा है देख के बहुत। लाल किले के कुछ बात अभी पता चले, यहाँ पे एक नदी ये हुआ करता था, यहाँ पे पूरा बहुत बड़ा सा नदी हुआ करता था, अगर मान लीजिए कोई अटैक करने वाला होता तो ये नदी पहले इस किले को प्रोटेक्ट कर लेता था, इस टाइप का होता था। और ये देखते सकते हैं चारों तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ है, और अभी तो यहाँ पे पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं है, सब सूख चुके हैं। यहाँ पे बहुत देर हमने टाइम स्पेंड किया, और ऑलमोस्ट अभी रेड फोर्ट के एंट्री गेट पे, मतलब एंट्री गेट नहीं, जो मेन गेट है, मेन गेट के सामने पहुँचने वाला हूँ। चारों तरफ घूम घूम के हम ऑलमोस्ट अभी पहुँच चुके हैं मेन गेट पे, और मेन गेट पे जाके कुछ फ़ोटोज़ लेंगे। पीछे के साइड पे कुछ फ़ोटोज़ लिया था, बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ आए, वो मैं इंस्टाग्राम में अपलोड करूँगा, आप लोग वहाँ पे मेरे को जाके फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, इट्स जुबेल साहिब मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप लोग अगर फ़ोटो देखने का वो है तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे जाके। क्या है भैया, हाय 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 हाय। रेड फोर्ट का फाइनल व्यू देख लीजिए, कितने लोग हैं यहाँ पे भी, और ये नदी फास्ट से लास्ट तक है पूरा, यहाँ पे
पूरा फास्ट जितना है किला है, जितना किला है किले के साइड पे यही है। और अभी आ चुके हम यहाँ पे पूरा किले के फर्स्ट एंट्री गेट पे। और यहाँ पे थोड़ा ब्लॉगिंग करना डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्राउड आप लोग देख सकते हैं, क्राउड बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। और दिल्ली में थोड़ा सा ये पॉकेट मारी है, चोरों की प्रॉब्लम थोड़ा सा है, इसलिए मतलब अपने कैमरा वमेरा सब कुछ थोड़ा सेफली रखना पड़ता है, क्या पता कोई आके ले जाए। अगर ले गया तो उसका कोई फर्क नहीं, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको बर्बाद कर देगा एकदम से। हम यहाँ पे घूमते घूमते आ चुके हैं फाइनल हमारे, ये देखिए लाल किला का फर्स्ट जो मेन गेट है यही है लाल किले का। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना लंबा लाइन है सिर्फ टिकट के लिए। और वो रहा हमारा नेशनल फ्लैग, और दिखाऊँ आप लोगों को यहाँ पे भी कुछ फ़ोटोज़ खींचूँगा, यहाँ पे भी बहुत अच्छा अच्छा करके कुछ फ़ोटोज़ खींचूँगा, उसके बाद सामने की गेट से निकल के जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और जाना बहुत जगह है, इसलिए हमें जितना कम टाइम में जितना कवर कर सके हम इतना आप लोगों को दिखाएंगे। हमारा लाल किला एक्सप्लोर करना हो चुका है ख़त्म, अभी हम इस वाले सामने वाले गेट से निकल जाएंगे बाहर। और आप लोगों को मेरा जितना हो सका मैं दिखाया, अब आप लोगों के लिए सिर्फ आप लोगों के लिए 1.5 किलोमीटर उधर घूम के गया जाके आप लोगों को दिखाया पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। और अभी हम इस वाले गेट से बाहर निकल जाएंगे। और ये रहा पूरा लाल किला, एक बार देख लीजिए अच्छे से, फिर से देखिए ये है पूरा लाल किला। और अभी मैं यहाँ से निकल जाता हूँ क्योंकि मेरा 4 बजे आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था 4 बजे एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम को कैसे भी करके अटेंड करना पड़ेगा, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइस।